आज आप देख रहे हैं हमारी एनवेलप कुकिंग, ऐसी कुकिंग जो हो खाना तैयार एक लिफाफे के अंदर बंद। इस कुकिंग के लिए सबसे पहले एक लिफाफा बना लेते हैं हम, नहीं दो लिफाफे बनाते हैं, और इसके लिए ये एल्युमिनियम फॉयल, तो इसे कर लिया डबल। अब ये फोल्ड कर लिया, ये यहाँ से कर लिया फोल्ड, और इधर किनारे से भी फोल्ड। अब ये जो है ये हो गया तैयार। इसी तरह से एक और मैंने तैयार किया हुआ है। अब इसमें हम पकाएंगे फिश। तो अब सबसे पहले कुछ तैयारी, थोड़ा अदरक, इसे पतला पतला स्लाइस कर लेते हैं, ये देखिए, और ये बोल के अंदर। अब इस अदरक में सी सॉल्ट और नींबू का रस इसके अंदर, और अब फिश इसमें डालनी है हमने। आप जो भी फिश लेना चाहें वो ले सकते हैं, बोनलेस फिश लें बढ़िया रहेगा। तो ये इसके अंदर, इसके साथ साथ इसमें क्रश्ड रेड चिलीज, और इसमें धनिया। जी हाँ, ये जो है धनिया इसके अंदर, धनिये को रफली चॉप करके मोटा मोटा। अच्छा, ये जो धनिया है ये पकने के बाद हरा नहीं रहने वाला। सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें, ये लीजिए। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा तेल, और अब इसको आप ले लें इसी तरह से इस पाउच के अंदर, और इसे कर दें सील, ये अच्छी तरह से, ये लीजिए, ताकि इसमें से भाप बिल्कुल ना निकले। और इसे भी आप चाहें तो फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, जब जरूरत हो तब निकाला और इसको पकाया। जैसे ये फिश है तो फिश को ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन फ्रिज में रखेंगे थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके ऊपर लिखते हैं टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड 12 मिनट्स, क्योंकि फिश ज्यादा मोटी नहीं है, ज्यादा नहीं पकना चाहिए, इतने में ही तैयार हो जाएगा। ओवन में रखें, या इसको आप तवे पे भी पका सकते हैं। तो तवा ले लें, तवा जब गर्म हो जाए बस इसको इसी तरह से पकाना है, तवा गर्म। तो ये लीजिए, इसीलिए ये जो पैकेट बनाया है ये डबल करा था, और ताकि तवे पे ये जले नहीं। अब देखिए ये जो फिश है ये किस तरह से, इसके अंदर जो पानी है स्टीम है उसकी वजह से ये फूली नहीं समा रही है। चाहे तो इसे पलट दे और इसको इसी तरह से पकाना है। अगर तवे पे पका रहे हैं तो इसको ज्यादा नहीं पकाना है, तवे पे पकाने के लिए इसे सिर्फ 6 मिनट तक पकाना है मीडियम हीट के ऊपर, और उतनी देर में फिश पक जाएगी। ज्यादा मोटा स्लाइस नहीं है, और जब ये पक जाए इसको तभी खोलें जब खाना हो गर्मा गर्म। वैसे तो पकाना ही तब चाहिए जब ये पूरी तरह से आप तैयार हो, ये तैयार हो खाने के लिए, तब इसका मजा लें। चावल के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या ऐसे ही और ढेर सारी सब्जियों के साथ इसको बनाएं, बस मर्जी आपकी है। लेकिन देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये फिश गर्मा गर्म। चाहिए 4 रावस फिश के फिलेस, 2 इंच का रोड़ा अदरक का स्लाइस किया हुआ समुद्री नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और 1 बड़ा चम्मच तेल। इसे बनाने के लिए एक बोल में अदरक समुद्री नमक और नींबू का रस मिलाएं, इसमें फिश फिले डालकर इसे भी मिक्स कर लें, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हरा धनिया और तेल डालकर मिक्स कर लें। अब फिश फिले को एल्युमिनियम फॉइल से बने लिफाफे में डालकर इसे बंद करें, एक तवे को गर्म करके इसके ऊपर फिश के एनवेलप रखें, और मध्यम आंच पर करीब 3-3 मिनट तक दोनों तरफ से पकाएं, और गर्मा गर्म लिफाफे को खोलकर सर्व करें।